वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर जाने की दी गई चेतावनी। खेतिया नगर पंचायत परिषद खेतिया के द्वारा दिसंबर व जनवरी माह का वेतन अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिए जाने पर नाराज कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष दशरथ निकुम व मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोहन अलावा को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र वेतन भुगतान किए जाने की मांग की है। हाँ सर, अभी 3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही, किराना पे जाते किराना नहीं मिल रही, बच्चों की फीस नहीं भरा रही, बच्चों को बटने नहीं दे रहे, अभी परीक्षा चल रही, 12 तारीख तक देख रहे हम, 12 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली तो हड़ताल बटेंगे। आपके साथ सभी कर्मचारी? हाँ, पूरे कर्मचारी हड़ताल पे है। विगत 2 माह से वेतन नहीं मिलने से सारे कर्मचारियों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बैंकों में ऋण की किस्तें ड्यू होने से इनका सिविल खराब हो गया है। जब भी निकट भविष्य में भी हम ऋण के लिए अप्लाई करेंगे तो सिविल खराब होने से हमको ऋण नहीं दिया जाएगा। सफाई मित्र और हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, इनकी स्थिति इतनी खराब है कि खेतिया में कोई भी किराना व्यवसायी इनको किराना नहीं दे रहा है। वर्तमान समय में परीक्षाओं का दौर चल रहा है, ऐसे में फीस नहीं भरने से बच्चों को परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। हमने इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सीओ साहब, इनको ज्ञापन दिया है, यदि 11 तारीख तक हमारी मांगों का निराकरण और 2 माह का वेतन का भुगतान नहीं होता है तो हम 12 तारीख से संयुक्त कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे, जिसमें आवश्यक सेवाएं, जल प्रदाय, सफाई एवं फायर सभी शामिल रहेगा। एक बोलना चाहता हूँ सीओ साहब से, तो भाई इनका काम जल्दी से जल्द करें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या कहना चाहेंगे? शासन स्तर पर कर्मचारी की मांग का भुगतान है तो शासन को चिट्ठी प्राप्त आवेदन को हम शासन को भेजेंगे और शीघ्र निराकरण करवाने का।